बात राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है तो विपक्षी दलों की तरफ से टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। यशवंत सिन्हा झारखंड से आते हैं तो द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आती है, लेकिन इस चुनाव के सेंटर में उत्तर प्रदेश रहने वाला है। इसकी झलक अभी से सामने आ रही है। वजह, राष्ट्रपति चुनाव में बुलडोजर की चर्चा तेज होना। जी हाँ, देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में बुलडोजर भी सुर्खियों में, आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन करेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। नामांकन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मीटिंग में सहयोगी दलों के साथ दूसरे दलों का सहयोग लेने पर भी चर्चा हुई। उधर विपक्ष की तरफ से कभी भाजपा के दिग्गज नेता और अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। 27 जून को नामांकन के बाद सिन्हा अगले दो हफ्ते देश भर में घूमकर समर्थन जुटाएंगे। इस बीच यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में जिस बात का जिक्र किया है, उसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है और वो भी बुलडोजर से। सुनिए यशवंत सिन्हा ने क्या कहा। ये लड़ाई है मुद्दों की, ये लड़ाई है भारत के संविधान को बचाने की, और मैं इतना विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति भवन में होने पर मैं ज्यादा संविधान की रक्षा कर पाऊंगे उनके मुकाबले। विपक्षी दलों की रणनीति राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए को बड़ा झटका देने की है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने प्रचार की शुरुआत दो दिन बाद झारखंड और फिर बिहार से करेंगे। पटना में उनकी कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने की है। ये मुमकिन है कि वे जेडीयू से अपने समर्थन की मांग करें। एबीपी नेटवर्क से बातचीत में यशवंत सिन्हा ने इसके संकेत भी दिए। चुनाव में जब आदमी उतरता है तो जीत के लिए ही उतरता है। मैं भी जीत की ख्वाहिश मन में लेकर ही उतरा हूँ। कुछ ऐसे वोट बैंक्स हैं जिसको बीजेपी भी अपनी तरफ करना चाहती है और हम लोग भी अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो ये प्रयास रहेगा कि वो वोट हमारी तरफ आए, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। साफ हुआ है अभी किन लोगों से आप बात करेंगे इसके लिए? सबसे बात करेंगे बीजेपी के लोगों से ही बात करेंगे। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। भले ही यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार से मिलकर समर्थन मांगने के संकेत दिए हैं, लेकिन इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर पहले ही पार्टी का रुख पूरी तरह साफ कर दिया। नीतीश ने ट्वीट किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। उधर यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि वे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। ये द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि मुद्दों की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि ये अगर जिम्मेदारी है जो तय होगी इस चुनाव में, तो मैं उनसे ज़्यादा सक्षम रहूँगा संविधान की रक्षा करने। इस बीच बीजू जनता दल ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के समर्थन का ऐलान किया है। भाजपा को भरोसा है कि वाईएसआर कांग्रेस का भी उसे समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने धर्म संकट की स्थिति है, क्योंकि भले वो विपक्षी खेमे में हो, लेकिन उसकी पूरी सियासत वनवासी वोट बैंक के आधार पर ही चलती है। ऐसे में मुकाबले का आने वाला दौर बेहद दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।